Hello everyone, I'm Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about GST semester 6, some important MCQs we will be discussing, which will be helpful for you to solve the objectives as well as the theory part related to your examination. Let's start. Hello everyone, this is the MCQ series lecture 1 of GST we are going to discuss, which will help you for solving the objectives of your indirect taxes, goods and service tax paper. So, filhal aaj maine jo first lecture GST ka MCQ series ka start kar raha ho, to usme kafi maine easy questions diye hai. तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट मिला था उस दिन कि सर थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करो. हम एक काम करेंगे, हम कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, धीरे से इजी लेवल से लेके हम डिफ़िकल्ट लेवल तक भी जाएंगे, बिकॉज आपको एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट पे ही पूछे जाते हैं. इसलिए इफ़ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट, यू कैन इजीली सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स विदाउट एनी मल्टीपल ऑप्शंस. तो अगर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहा और आपका अगर बेसिक क्लियर है, तो आप ऑप्शंस के बिना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑन जीएसटी, दैट इज द एमसीक्यूज आई हैव प्रिपेयर्ड. सेंट्रल टैक्सेस टू बी सब्स्यूम अंडर जीएसटी इंक्लूड. तो कौन से टैक्सेस जो है सेंट्रल लेवल पे वो जीएसटी में नहीं रहेंगे, दैट इज सेंट्रल टैक्सेस टू बी सब्स्यूम, मतलब ये टैक्सेस चले जाएंगे और जीएसटी एक अकेला टैक्स लगेगा. तो ऑप्शंस आर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बोथ ए एंड बी. देखो इसमें से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों टैक्सेस सब्स्यूम होने वाले हैं, मतलब ये दोनों टैक्सेस चले जाएंगे और जीएसटी में इंक्लूड हो जाएंगे. तो जीएसटी विल बी अ सिंगल टैक्स इन दिस. ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. स्टेट टैक्सेस टू बी सब्स्यूम अंडर जीएसटी इंक्लूड. तो अभी पहले सेंट्रल लेवल पे पूछा, अभी स्टेट लेवल का पूछ रहे. तो स्टेट टैक्सेस टू बी सब्स्यूम अंडर जीएसटी इंक्लूड स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स की ऑल ऑफ द अबव. तो स्टेट वैट भी नहीं रहेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी अभी नहीं रहा, एंट्री टैक्स भी अभी नहीं है. तो अगर ये तीनों ऑप्शंस राइट है, इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन डैश ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जीएसटी में आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट इज आईजीएसटी इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो IGST इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ. तो एक्सेप्ट वर्ड ध्यान रखना है आपको. तो इसका सही आंसर बन जाएगा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. देन द नेक्स्ट इज चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज. तो जीएसटी काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. जीएसटी काउंसिल के मेन चेयरपर्सन कौन है? तो द ऑप्शंस आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन एंड नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर बिकम्स यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ही इज़ द हेड, ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल. तो जीएसटी काउंसिल के मेन कौन होंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. देन द नेक्स्ट इज इन एरिया इनसाइड द सी बिटवीन 12 नॉटिकल माइल्स टू 200 नॉटिकल माइल्स दैस विल बी एप्लीकेबल. सो इन द एरिया इनसाइड द सी बिटवीन 12 नॉटिकल माइल्स से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी? सो रिमेंबर द टैक्स विल बी एप्लीकेबल विल बी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द एरिया इनसाइड द सी बिटवीन 12 नॉटिकल माइल्स से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक आईजीएसटी कंसिडर किया जाएगा.
नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है, सर्विसेज रेंडर्ड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर ट्रीटेड एज रेंडर्ड बाय, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना. सर्विसेज रेंडर्ड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर ट्रीटेड एज एजेंट प्रिंसिपल बोथ या नन ऑफ द अबव. देखो इसमें एक तो नन ऑफ द अबव तो आंसर हो नहीं सकता है, बिकॉज एक तो आंसर एजेंट होगा या प्रिंसिपल होगा, बोथ भी आंसर हो नहीं सकता है. तो हम एलिमिनेशन से दो तो हमारे ऑप्शंस ऑलरेडी चले गए, अब बचा ऑप्शंस एजेंट या फिर प्रिंसिपल. सो सर्विसेस अगर दे रहा है एजेंट, किसके बिहाफ पे दे रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे दे रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल. सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी. आपको ये सेशन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मैं इजी लेवल से हार्ड लेवल तक सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा. हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वैसे धीरे धीरे हम कॉस्टिंग की भी स्टार्ट करने वाले हैं, और कॉस्टिंग के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक डाल दिया है. अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, बिकॉज आई विल गिव यू नाउ द स्ट्रैटेजीज ऑल्सो टू हाउ टू प्रिपेयर, एंड काफ़ी सारे लेसन्स आने वाले हैं. तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट उनके भी ऑब्जेक्टिव्स का प्रिपरेशंस होते रहे. एंड थैंक यू, बाय बाय, टिल देन वर्क हार्डर बी स्मार्टर.